अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन अंगारा, जो कि खाने में बहुत ही जायकेदार होता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चिकन अंगारा बनाने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने काली मिर्चें ली है, यानी ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा। 2 टीस्पून मैंने ये धनिया लिया है। मेरे पास दरदरा सा कुटा हुआ था तो मैंने वो ले लिया। अगर आपके पास अक्खा धनिया है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये 3 मैंने सूखी वाली मिर्चें ली है, ये तेज़ होती है इसलिए मैंने 3 ही ली है। और 4 लौंग ली है। इन सबको हमें रोस्ट कर लेना है हल्का सा तवे पर। तो ये देखिए, सारे ये खड़े जो मसाले थे इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे, फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये मसाला हमारा पीस कर रेडी हो चुका है, अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये मैंने 1/2 किलो चिकन ली है। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने रेडीमेड पेस्ट का यूज़ किया है, इसका कलर इसलिए आपको डार्क लग रहा होगा। अब इसमें 1/2 कप दही डालेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट कर डालना है। ₹3 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। और ये 6-7 बादाम को भिगाकर मैंने इसको पीस लिया है छिलकों के साथ, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब जो ये हमने ड्राई रोस्ट करके मसाले को पीसा था, ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। ये चिकन अंगारे का मसाला है जो मैंने आपको बताया है। अब इसमें रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पाउडर कलर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। चिकन अंगारा जो होता है वो रेड कलर का होता है, स्पेशली हम रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो ये रेड कलर में होता है बना हुआ, इस वजह से मैंने कलर ऐड किया है। वरना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें वरना स्किप कर दें। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको 1/2 से 1 घंटे के लिए हमें मैरिनेट करना है, क्योंकि जितना मैरिनेट होगा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसको फ्रीज में रख देंगे 1 घंटे के लिए। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें 5 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाले हैं। ऑयल गरम होने के बाद में मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है चॉपर में। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इसका कलर होना चाहिए। तो देखिए, प्याज हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब जितनी हमने प्याज ली थी उतने ही मैंने टमाटर भी लिए हैं। 5 प्याज ली थी तो 5 ही मैंने मीडियम साइज़ के टमाटरों को पीस कर प्यूरी बना ली है। जब भी आप चिकन अंगारा बनाएं तो एक बात का आपको ख्याल रखना है कि जितने आप टमाटर ले रहे हैं उतनी ही प्याज लेनी है। अगर आप ऊपर नीचे कर दोगे तो चिकन अंगारा अच्छा नहीं बनता है। अब टमाटरों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूंगी वो आपको दिख पाएगी। तो टमाटर हमारे भून चुके थे तो इसमें अब मैंने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। अब इसको हमें फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से चिकन को भून लेना है। तो ये देखिए, चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। जो हमने इसमें रेड कलर डाला था वो भी बहुत अच्छा आया है इस पर। अब इसको भूनने के बाद मैं इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको मिक्स करते जाऊँगी। जो चिकन अंगारे की ग्रेवी होती है वो थोड़ी मसाले वाली होती है, थिक होती है, तो इसको हमें पतला नहीं करना है। तो पानी डाल दिया है मैंने, अब ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें हम उबाल आने देंगे।
तो देखिए उबाल आ चुका है, अब फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आपको अर्जेंट बनाना है, तो आप इसको बगैर मैरिनेट किए हुए भी बना सकते हैं। अब इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए 15-20 मिनट इसको मैंने पकाया है लो फ्लेम पर, बनकर रेडी है ये। अब इस पर हरा धनिया कट करके डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेना है और थोड़ा 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। देखिए 2-3 मिनट पकाया है, अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये इतना थिक है, ये ठंडा होने के बाद में और थिक हो जाएगा, तो इतना परफेक्ट है। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे, जिसके लिए आप कोई भी छोटी कटोरी या फॉइल पेपर रख ले, कोयले को जला ले अच्छी तरह से। और फ्लेम बंद है, फ्लेम बंद करके इसमें धुआं देना है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। चिकन अंगारा में ज़्यादा टाइम तक धुआं देना पड़ता है कोयले का, तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं और डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा चिकन अंगारा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको पराठों के साथ सर्व करिए, पराठों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।